ये मछली फ्राई करने के लिए, और यहाँ पर बन रहा है हमारे घर का बैंगन, और ये मसाला भून रहा है हमारे बैंगन का, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर अभी लहसुन प्याज तल रहा है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया मिर्ची, और फिर उसके बाद डालेंगे फिर हम बैंगन। बैंगन को अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि तेल से बैंगन को अगर कट कर लेते तो ये हो जाते हैं काले, इसलिए हम बैंगन को जब कट करेंगे जब हम इसके अंदर धनिया मिर्ची डाल देंगे। तो बताइए किस किस को पसंद है भरवा बैंगन की सब्ज़ी। मैंने इसमें डाला सबसे पहला तेल, उसके बाद फिर डाला था मैंने थोड़ी सी मेथी दाने, फिर उसके बाद डाला लहसुन प्याज का पेस्ट। अब डालेंगे हम जब तक कि थोड़ा अच्छा भुन जाता है, थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो जाएगा लहसुन प्याज, उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया मिर्ची। थोड़ा हम इसको भून लेते हैं अभी मध्य आँच में, और यहाँ पे हमारी मछली हो गई, हमने नमक डाल के रख दिया है। ये देखिए यहाँ पर मछली में नमक डाल के रख दिया, एक घंटा हो चुका है इसको। अब इसको हम धो लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर इसको करेंगे हम तेल में फ्राई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर बन रहा हमारा खाना, तो चलिए ले चलते हैं आपको किचन में, बताते हैं आज क्या बन रहा है। मैं बना रही हूँ आज भरवा बैंगन की सब्ज़ी, और यहाँ पर रखी है मेरी मछली। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन कट कर लिए हैं, बताती हूँ आपको बैक कैमरे से कैसे मैंने बैंगन कट करे हैं। और यहाँ पे मेरा मसाला भी भूनता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मसाला भून गया, इसके बाद अब हम इसमें उठाकर बैंगन डालेंगे, तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा। देखिए दोस्तों मैंने ये बैंगन कट कर लिए हैं, और ये देखिए फिर भी काले पड़ गए हैं, अभी काटे थे, ये देखिए आप। और यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए अभी धनिया मिर्ची डाल के भून लिया था, और इसमें एक टमाटर भी डाला मैंने, ये देखिए। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बैंगन उठाकर, ये देखिए ये बैंगन को कट कर लिया, ये है भरवा बैंगन की सब्ज़ी बोलते हैं इसको। हम ऐसी ऐसी करके सारे बैंगनों को उठाकर डाल देंगे। सारे बैंगनों को उठाकर हम सब्जी में डाल देंगे, और थोड़ी देर इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये गल नहीं जाते। भरवा बैंगन या मसाले वाले बैंगन कुछ भी कह लो, वैसे तो इनको ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे एक एक बैंगन को पकड़ के इसके अंदर मसाला भरा जाता है, तो उसी को कहते हैं भरवा बैंगन। फिर भी मैंने अब इसमें डाल दिए तो हो जाएगा इसके अंदर मसाला। चलिए इसको हम अच्छे से और भूंज लेते हैं जब तक बैंगन गल जाएंगे, फिर बताते हैं आप। देखिए हमारी रखी है मछली धोने के लिए, आज हम करेंगे मछली को फ्राई करके खाएंगे, और सब्ज़ी तो बैंगन की बन रही है, बताई थी आपको ये बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। और अभी इसमें नमक डाल के रखा था, काफ़ी देर हो चुकी है, एक घंटा हो चुका है इसमें नमक डाल कर रखे हुए। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे तेल में, तो अच्छी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, मछली फ्राई करेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हम बताएंगे कि हमने मछली कैसे फ्राई करी है। तो अभी तो खाना बन जाता है, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे, फिर एंड में जब खाना खाएंगे तभी गरम गरम तलकर खाएंगे, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है तो बेकार लगती है, और उसी टाइम तलकर उसी टाइम खाओ तो अच्छी लगती है। तो इसलिए हमने अभी इसको तली नहीं है, अभी रख दिए, अभी धोकर और रख देंगे थोड़ी देर, आधा एक घंटा, जब तक खाना नहीं खाएंगे, और फिर जब खाना खाने बैठेंगे उसके बाद सबको तल कर देंगे गरम गरम। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, किस किस को खाना है मछली। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। तो ये देखिए यहाँ पर बन गई हमारी बैंगन की सब्ज़ी, और यहाँ पर बन गई हमारी रोटियाँ, यहाँ पर रोटियाँ बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है। अब इसको धोना है सिर्फ मछली को, मछली धो के फिर इसको हम करेंगे फ्राई, जब तक हम कर लेते हैं कपड़ों की तेल। यहाँ पर हमारे कपड़े पड़े हैं धुले हुए, तो अब इनकी हम कर लेते हैं घड़ी। और यहाँ पर देखिए ये पढ़ना है, इनके 18 तारीख से एग्जाम है, तो ये पढ़ाई कर रहा है। कौन सा टेबल याद कर रहा टू का है? टू का टू वन जा टू 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 जा फोर टू ये सिक्स टू फोर जा एट टू वन जा टेन टू सिक्स जा ट्वेल्व टू सेवन जा फोर्टीन टू एट जा फिफ्टीन टू नाइन जा एटीन टू टेन जा ट्वेंटी। यहाँ पर इनकी चल रही है एग्जाम की तैयारियाँ।